गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग हेल्दी और खुश होंगे। फ्रेंड, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये डायरेक्ट वीडियो रोड पर से कहाँ स्टार्ट हो गया, मैं कहाँ रोड पर जा रही हूँ। तो फ्रेंड, मैं थोड़ा सा बाहर जा रही थी, कुछ काम था विमी के प्रोजेक्ट के लिए और उसके होमवर्क के लिए, मतलब A4 साइज़ पेपर चाहिए थे तो उसके लिए। प्लस तिवारी जी को भी सर्दी जुकाम हो गया है, मतलब उनको भी ठंडी लग गई है क्योंकि वेदर चेंज हुआ है, आप लोगों को तो पता ही है, तो उनको चोट लग गई थी फ्रेंड। तो इसीलिए हम लोग आए थे यहाँ पर। तिवारी जी की बाइक का पेट्रोल ख़त्म हो रहा था तो यहाँ पेट्रोल पंप पर आ गए। पहले सबसे पहले हम बोले पेट्रोल भरा लेते हैं, अदरवाइज़ रास्ते में बाइक कहीं स्टॉप रुक गई तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और तिवारी जी को काफ़ी सर्दी जुकाम खांसी सब इकट्ठा, सबसे पहले सर्दी ने इस बार उन्हीं पर अटैक किया है। तो पेट्रोल भराने के बाद हम लोग आगे बढ़ने लगे फ्रेंड, आगे जा रहे हैं। यहाँ पर हम लोग विमी के लिए, मतलब उसके पेपर A4 साइज़ पेपर लेने के लिए हम लोग यहाँ पर जा रहे हैं। तो यहीं पे बुक स्टॉल है जहाँ पर हम लोगों ने मतलब और बुक्स का ऑर्डर भी दिया था। ये बात अलग है कि मिडल ऑफ ईयर में बुक मिली नहीं, सिद्धार्थ की एक बुक थी जो सामने ही, देखिए बुक की शॉप है और वो बुक मिली नहीं। अब देखिए कैसे उसकी पढ़ाई होगी, बड़ी प्रॉब्लम होगी यहाँ पर। वहाँ से हम लोग लौटने के बाद यहाँ पर हम आगे बढ़ने लगे। वहाँ बुक स्टॉल पर मतलब A4 साइज़ पेपर नहीं मिला तो यहाँ हम लोग मार्केट में दूसरे तरफ आ गए। एक्चुअली मार्केट काफ़ी बड़ा मार्केट है, काफ़ी एरिया में है और काफ़ी उसकी लोकेशंस हैं, तो हम लोग सब जगह ढूंढ रहे थे कि कहीं मिल जाए। वैसे हम लोग रेगुलर शॉप से लेते हैं। यहाँ पर फ्रेंड मैं रुकी थी, ये किराना स्टोर है, मार्केट में ही है, किराना स्टोर है। यहाँ से मैं ब्राउन ब्रेड लेने के लिए रुकी थी, क्योंकि मैं ब्राउन ब्रेड ही डेली खाती हूँ तो मेरा ब्राउन ब्रेड फिनिश हो गया था, इसीलिए मैं यहाँ किराना स्टोर में रुकी थी। और यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे मेडिकल में आए हैं। तिवारी जी को जो भी डॉक्टर ने दवाई प्रेस्क्राइब किया हुआ है वो मेडिसिन लेने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तिवारी जी बोल रहे थे कि, तिवारी जी मुझे घूरने लगे कि यहाँ पर भी क्लिप लेना स्टार्ट कर दी। लेकिन क्या करें फ्रेंड, आप लोग से शेयर कर। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग हेल्दी और खुश होंगे फ्रेंड और हैप्पी होंगे। और फ्रेंड, आप लोगों से थोड़ा सा बात करना था। बात ये करना था कि आप लोग जब भी कोई मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब करता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने से पहले मेरे वीडियो को वॉच कीजिए, और वीडियो को वॉच किए बिना अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो उससे वो स्पैम में चला जाता है और फिर वो तुरंत करने के कुछ देर बाद ही वो सब्सक्रिप्शन कैंसिल हो जाता है फ्रेंड। तो ऐसे में ना आपको फ़ायदा होता है ना मुझे फ़ायदा होता है। तो प्लीज़ अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हो, मेरा चैनल अगर आप लोगों को पसंद आता है, मेरे वीडियो आप लोगों को पसंद आते हैं, तो पहले वीडियो को वॉच कीजिए और वॉच करने के बाद ही आप लोग उसे सब्सक्राइब कीजिए या कमेंट कीजिए या कुछ भी कीजिए, उसके पहले मत कीजिए। वीडियो को वॉच करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आई होप कि आप लोगों को ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे। अभी भी व्यूज़ प्रॉपर नहीं आ रहे हैं और वॉच टाइम भी बहुत कम आ रहा है फ्रेंड। इधर वॉच टाइम ठीक हो रहा था लेकिन फिर 2-3 दिन से वॉच टाइम फिर कम आ रहा है। प्लीज़ आप लोग वीडियो को वॉच कीजिए। और अब मैंने वीडियो भी बहुत शॉर्ट बनाने लगी हूँ, ज़्यादा लेंथी मैं बना भी नहीं रही हूँ। अभी मॉर्निंग का मेरा रूटीन स्टार्ट हुआ है, जस्ट सारा काम हो चुका है, मतलब जो रेगुलर काम है वो तो हो गए हैं, छोटे मोटे हो गए हैं। जिनकी क्लिप बना सकी हूँ बनाई, जिनकी नहीं बना सकी नहीं बनाई हूँ, क्योंकि पूरा क्लिप बनाने से वीडियो बहुत ही लेंथी हो जाता है, फिर आप लोग भी पूरा फुल वॉच नहीं करते फ्रेंड, तो बनाने का फ़ायदा क्या है। तो प्लीज़ मेरे सब्सक्रिप्शन अभी भी कम हुए जा रहे हैं, अभी भी सब्सक्राइबर्स घटने बंद नहीं हुए हैं फ्रेंड। तो इसीलिए प्लीज़ आप लोग ज़रा, हम लोग खुद से तो कोई गलती ना करें, कम से कम खुद से हमारी कमी ना रहे कि YouTube हमारे सब्सक्रिप्शन को कैंसिल करे। और अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो ढेर सारे लाइक कीजिए, प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए, और मेरे वीडियो को आप लोग अपने रिलेटिव्स में, फ्रेंड ग्रुप में शेयर कीजिए, और मेरे हो सके तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए विद बेल आइकन। चलिए अभी ज़्यादा बातें ना करते हुए आगे का काम देखते हैं। सिद्धार्थ ने वॉशिंग मशीन में पानी भर दिया है। आप लोग सोचेंगे इस एरिया में अंधेरा क्यों दिख रहा है, असल में मैंने वहाँ की ट्यूबलाइट बंद कर दी है, क्यों सिद्धार्थ बोला मम्मी कैमरे में उसका मतलब रिफ्लेक्शन आ रहा था तो मैंने बंद कर दिया। लेकिन अभी मैं वीडियो देख रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि मुझे चालू रखना चाहिए था क्योंकि एक अंधेरे सा शेड आ गया है चारों तरफ। लेकिन कोई बात नहीं, अब तो क्लिप बन चुकी है तो यहाँ पर मैं मशीन में, क्योंकि जब वो पानी भर देता है तो उसी के बाद मैं कपड़ों को लगा देती हूँ ताकि कपड़े 2-3 राउंड धुल जाएँ। और तिवारी जी के वाइट कलर का ड्रेस आप लोगों को पता है, वो वाइट कपड़े का पहनते हैं ड्यूटी में, तो वो भी जल्दी, क्योंकि एक बार में धुलता नहीं है, 3-4 बार 3 राउंड घूम लेता है तो कपड़े साफ़ हो जाते हैं। और 2 घंटे तक अगर मशीन में पड़े रहते हैं तो फूल भी जाते हैं। ऐसे में अलग से कपड़े फुलाती नहीं हूँ, आप लोग देखते हैं, मैं उसी वक्त वॉशिंग मशीन में कपड़े डालती हूँ। यानी इस समय एकदम मॉर्निंग का ही टाइम है, ज़्यादा मॉर्निंग
मॉर्निंग ही है तो उतने में कपड़े फुल जाएंगे। ब्रेकफास्ट के बर्तन थे फ्रेंड्स, सोचा उसको धो लूं। आज थोड़ा सा देर हो रहा है काम के लिए, किसी किसी दिन होता है ना थोड़ा सा देर होने लगता है। सबका ब्रेकफास्ट हो चुका है, अभी दोपहर का लंच बनाना है। दाल बन चुकी है, सब्जी बनाना है। देखिए आज थोड़े बर्तन इस समय ज्यादा हो गए, दोपहर सवेरे के दूध के भी धोए नहीं थे अभी। दाल बन चुकी है फ्रेंड, अभी चावल चढ़ा रही हूँ, उसके बाद की सब्जी का देखूंगी। तो आधान के लिए चावल चढ़ा दिए, पानी चढ़ा दिया है। मेरे चावल बचा हुआ है, तेल फिनिश हो गया है फ्रेंड्स। अभी इसमें पाउच डालना पड़ेगा, पाउच का तेल, तो मैं इसमें ऊपर रखती हूँ तेल को, क्योंकि अभी सब्जी बनाना है। मैं पाउच ही लाती हूँ, एक एक लीटर का पाउच है। कल से फिनिश हुआ था, कल शाम से, लेकिन थोड़ा आलस आ गया शाम को निकालने में। ये बॉटल भी गंदी हो रखी है, इसको भी साफ करना है। अभी देखिए कब करती हूँ, थोड़ी सी बॉटल को खाली रखती हूँ, अदरवाइज बड़े मुंह की बॉटल है, जब कढ़ाई में निकालने लगो तेल तो पूरा तेल गिरने लगता है, इसीलिए मैं थोड़ा सा ऊपर से इसको खाली रखती हूँ। अब ये पाउच में जो तेल बचा है वो हमारे यूज हो जाएगा सब्जी बनाने में, जब तक ये यूज होगा तब से बॉटल का नहीं यूज करूंगी। आज पत्ते गोभी की सब्जी बना रही हूँ फ्रेंड, यही रेसिपी आप लोगों से शेयर करूँगी, कई बार कर चुकी हूँ तो इसको काटने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। छोटे छोटे पत्ते गोभी हैं, आप देख रहे हैं आप लोग, क्यूट क्यूट से। आज मेरा फ्रेंड हाथ थोड़ा सा जल गया, आप लोग देख सकते हैं, देखिए दाल छौंक रही थी, देखिए
दाल छौंक रही थी और इतना हाथ जल गया, बहुत प्रॉब्लम हो रही, पानी भी लग रहा है, लेकिन क्या करें, अब इसी हाथ से काम तो करना पड़ेगा। अच्छे से इसके पत्तों को धोना पड़ता है, अंदर सब गंदगी रहती है। तो इसमें से पानी निकलता रहता है। अभी फ्रेंड देखिए, मैं पत्ते गोभी की यानी कैबेज की सब्जी का रेसिपी आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। कई बार मैंने आप लोगों से कर चुके हैं। हमारी कढ़ाई देखिए गर्म हो रही है, अभी तक गर्म नहीं हुई है। और ये पाउच में मैंने तेल निकाला था मॉर्निंग में, इसमें काफ़ी तेल बचा हुआ है अभी तक, तो तेल इसमें थोड़ा सा, पत्ता गोभी भुनने के लिए तेल थोड़ा ज़्यादा ही लगता है। तेल गर्म होगा तो देखिए फ्रेंड, तेल हमारा गर्म हो चुका है। मैं कटी हुई ग्रीन चिलीज इसमें ऐड कर दूंगी। मैं थोड़ा स्पाइसी बनाती हूँ क्योंकि मेरे घर में सब थोड़ा स्पाइसी खाते हैं। तिवारी जी को स्पाइसी होना चाहिए, निम्मी विम्मी को भी स्पाइसी होना चाहिए, तो मैं इसमें इस समय रेड चिली पाउडर नहीं ऐड कर रही, मैं सिर्फ ग्रीन चिली डाल रही हूँ, इसे थोड़ा ज़्यादा डाल रही हूँ, और इसमें से पचफोड़न थोड़ा सा ऐड कर दे रही हूँ। हमारा फोड़न देखिए फ्राई हो चुका है। अब इसमें मैं ये कटे हुए पोटैटो डाल दूंगी और इसको लाल करूंगी, लाल करूंगी मतलब ब्राउन करूंगी, गोल्डन ब्राउन। देखिए फ्रेंड, हमारे पोटैटो फ्राई हो चुके हैं जितना हमें फ्राई करना था। अब मैं इसमें अपने कटे हुए कैबेज यानी पत्ता गोभी ऐड कर दूंगी। पत्ता गोभी कुछ ज़्यादा ही है, डेली मेरे हाथ से ज़्यादा बन जाता है जो कि बच जाता है, तो मैं इसको फ्राई करने में भी टाइम लगेगा। इसको अच्छे से मैं भूनूंगी पोटैटो के साथ, और भूनते भूनते ही ये पक जाता है। तो कढ़ाई मेरी भर चुकी है, चलाने में भी प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे फ्रेंड अंदाज मिलता नहीं है। मेरा अक्सर मेरा खाना ज़्यादा ही हो जाता है, चाहे सब्जी बोलो चाहे कोई भी डिश बोलो, वो ज़्यादा ही बन जाती है। मैं कितनी भी कोशिश करती हूँ कि कम बने, लेकिन वो कम नहीं होती है, वो ज़्यादा ही हो जाती है। आज तो ये पत्ता गोभी भी देखिए कितनी ज़्यादा हो गई है। हमारे पत्ता गोभी देखिए एकदम से फ्राई हो चुके हैं जितनी हमें इसको ज़रूरत थी फ्राई करने की। अब ये नीचे से लगने लगा है, तो मैं टेम्परेचर कम कर दूंगी, 500 पे मैंने कर दिया है। अब इसमें मैं ज़रूरी इंग्रेडिएंट यानी मसाले डालूंगी। तो सबसे पहले मैं इसमें सॉल्ट डाल रही हूँ, सॉल्ट ऐड कर दिया मैंने, कटे हुए दो टोमेटो मैंने ऐड कर दिए हैं, और मैं कुछ सूखे मसाले डालूंगी, दैट मीन्स हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर 1 स्पून डाल रही हूँ, और मेरा धनिया पाउडर 1 स्पून ही है वो डाल दे रही हूँ। इन्हीं मसालों को फ्रेंड में ऐड करती हूँ, ज़्यादा मसाले में नहीं डालती। इन्हीं सूखे मसालों से मतलब इसका सूखा सूखा सब्जी बनेगा, जो कि दाल चावल से खाने में बहुत टेस्टी, मेरे घर में सबको बहुत पसंद है। और एक और ज़रूरी चीज़ फ्रेंड, थोड़ा सा शुगर भी ऐड करूँगी, आप लोगों को पता मैं इसमें थोड़ा सा शुगर भी डालती हूँ हल्का सा मीठापन के लिए। और अब मैं इसे चला के इसको ढक दूंगी 500 टेम्परेचर पे करके, और इतने पर फ्रेंड ये अपने से ही पक जाएगा, ज़्यादा इसको चलाने की भी ज़रूरत नहीं है। मेरे हाथ में टेम्परेचर देखिए फ्रेंड, जो जला हुआ है ना, बहुत भाप लग रही है, बहुत हाथ में जलन हो रहा है, लेकिन करना तो पड़ेगा ही और भाप भी लगेगी ही। मैं इसे अब चला चुकी हूँ, सारे मसालों को मैंने अच्छे से मिला दिया है, और इसको ढक के मैं रख दूंगी, अब ये पकेगा। चलिए गाइस, अब इस व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आज का व्लॉग भी आप लोगों को पसंद आएगा। मैंने बहुत ही अच्छी पत्ते गोभी की आप लोगों से सब्जी शेयर की है,
मैं बनाती हूँ हमेशा, मेरे घर में सबको बहुत पसंद है वो। आई होप कि आप लोगों को वो रेसिपी पसंद आएगी, और प्लीज़ वीडियो को आप लोग फुल वॉच कीजिएगा, क्योंकि कैबेज के वेजिटेबल, कैबेज की सब्जी की जो रेसिपी है वो वीडियो के सबसे लास्ट में है, लास्ट पार्ट में है। तो अगर आप लोग पूरा वीडियो नहीं वॉच करेंगे तो आप लोग वो रेसिपी मिस कर देंगे। तो इसीलिए फ्रेंड प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिए और देखिए कि वीडियो के एंड में मैंने आप लोगों से कौन सी रेसिपी शेयर की है। और आप लोगों को पसंद आएगा मेरा वीडियो तो ढेर सारे लाइक कीजिए, प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए, और फ्रेंड वीडियो को प्लीज़ प्लीज़ फुल वॉच कीजिए, वॉच टाइम बहुत कम आ रहा है, और एक दो मिनट या तीन मिनट देखने से वीडियो नहीं होगा। वीडियो ज़्यादा लेंथी भी अब नहीं है, पहले तो 20 मिनट्स तक होता था, मैं उतना लेंथी नहीं कर रही हूँ फ्रेंड, शॉर्ट वीडियो बना रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग इतनी मेरे मेहनत की वैल्यू कीजिए, इतनी मेहनत करती हूँ मैं, पैर में दर्द है मेरे, जॉइंट पेन, क्योंकि ठंडी स्टार्ट हो गई है, जॉइंट पेन फिर काफ़ी एक्साइटेड हो गया है, लेकिन उसके बावजूद मैं आप लोगों के लिए वीडियो ज़रूर बनाती हूँ, डेली अपलोड करती हूँ, मैं कोई गैप नहीं देती हूँ फ्रेंड, ताकि आप लोग मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, कुछ लोग डेफिनेटली जो मुझे मेरे वीडियोज़ को पसंद करते हैं वो लोग इंतज़ार करते होंगे मेरे व्लॉग्स का, इसीलिए फ्रेंड मैं कभी मिस नहीं करती हूँ, मैं बराबर वीडियो डालती हूँ। और अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आएगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए विद बेल आइकन, और मेरे वीडियोस को आप लोग अपने रिलेटिव्स में, फ्रेंड ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और फ्रेंड और क्या बोलूँ, डेली का सेम बात, सब्सक्राइबर घटने बंद नहीं हुए हैं, सब्सक्राइबर घट रहे हैं, लेकिन फिर भी एक खुशखबरी है फ्रेंड अभी, कि अभी जस्ट मतलब मॉर्निंग में मेरे 600 सब्सक्राइबर पूरे हो गए। वैसे तो 600 सब्सक्राइबर तो लास्ट मंथ में भी फ्रेंड दो बार पूरे हुए थे, लेकिन YouTube क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर को कट कर देता था, अब पता नहीं 600, फिलहाल तो 600 हैं, अब फ्रेंड हो सकता है ये कम भी हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल एक बार और मन में इस बात की खुशी हो गई है कि मेरे 600 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। देखिए कब तक टिकती है खुशी या कंटिन्यू बनी रहती है, अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा फ्रेंड, और आप लोग अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो प्लीज़ पहले वीडियो को वॉच कीजिए, और वीडियो को देख कर ही कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डायरेक्ट पहले ही सब्सक्राइब कर देंगे बिना वीडियो देखे तो वही तो स्पैम में चला जाएगा, वही कट जाएगा फ्रेंड। तो इसीलिए प्लीज़ प्लीज़ 600 सब्सक्राइबर होने की आज खुशी मैं मना लूँ, देखिए कब तक 600 रहता है, कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल तो 600 हो गया है। तो चलिए आप लोग भी मेरी खुशी में शामिल हो जाइए, मेरे व्लॉग को पूरा देखिए और इस खुशी को इंजॉय कीजिए। चलिए फिर कल मिलेंगे बहुत ही अच्छे से और प्यारे से व्लॉग के साथ। बाय बाय।